हमारा घर हमारा विद्यालय मोहल्ला क्लास के अंतर्गत करें और सीखें गतिविधि क्रमांक आज पढ़ेंगे वर्क। देखिए ये पत्र है, पत्र के माध्यम से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए कुछ शब्द दिए गए, नीचे दिए गए शब्दों से पत्र पूरा करो। ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इस पत्र को पूरा करना है। देखिए पहला शब्द क्या है, कोई बताएगा? ये माना बता, खुशी, वेरी गुड। दूसरा पत्र, आप एक और बताएगा, सचिन बताएं क्या लिखा है, वेरी गुड। जन्मदिन, यह आमंत्रित, और ये क्या लिखा है, अवसर, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो आप देखिए ध्यान से, यानी इन शब्दों की सहायता से हमें इस पत्र को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, तुम्हारा, और रिक्त स्थान यानी इस खाली स्थान पर हमें इन शब्दों में से एक शब्द यहाँ भरना है जो उचित हो, जो सही हो, उससे सही वाक्य बने। तुम्हारा मिला, तो क्या मिला, क्या हो सकता है इसमें से, वेरी गुड, तुम्हारा पत्र मिला, मिला, तो हमने यहां भर दिया पत्र, ये भरा हमने, अंडरलाइन कर दी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये शब्द रिक्त स्थान में हमारा भरा गया। पढ़कर बहुत हुई, क्या हुई, खुशी, वेरी गुड, खुशी हुई, पढ़कर बहुत खुशी हुई, वेरी गुड, खुशी हुई, ये भी भर दिया, अंडरलाइन कर दिया। प्रिय मित्र, 4 मई को मेरा क्या है, जन्मदिन, वेरी गुड, जन्मदिन, तो यहां भर देंगे जन्मदिन, ये जन्मदिन भर गया यहां। तो देखिए पत्र भी भर गया, खुशी भी भर गई, और जन्मदिन भी भर गया। अब देखिए आगे, इस आगे यहां से पढ़ेगा कौन इसको पूरा, यहां से पढ़िए, हाँ, इस शुभ, अब है रिक्त स्थान, तो क्या भरा, इस शुभ क्या है इनमें से, इस शुभ क्या भरा जाएगा, यहाँ अवसर, वेरी गुड, इस शुभ अवसर, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, आमंत्रित, आमंत्रित, आमंत्रित करना चाहता हूँ, आशा है तुम जरूर आओगी, तुम्हारी सहेली लवली। अब देखिए आमंत्रित करना चाहता हूँ की जगह पे अपन चाहती हूँ, किताब में चाहता है तो अपन कर सकते हैं, चाहती हूँ, तो ये चाहती हूँ सही है, किताब में भी चाहती ही लिखा था ये अपना। तो देखिए, तो ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है, आपने देखी होगी ये पत्र हमारे में, तो ये पत्र हमारा पूरा होता है इस तरह से। इस वर्कशीट को अपनी अपनी उसमें पूरा करेंगे और अपने अपने पालक के हस्ताक्षर कराएंगे। यहाँ देखिए तुम्हारी सहेली, इसमें लिखा हुआ है आकांक्षा, तुम अपना अपना बच्चियां नाम भी डाल सकती हूँ, ठीक है, तो इसे पूरा करिए वर्कशीट को, तो निश्चित ही आपकी समझ में आ गया होगा।